राय से पूरे आंदोलन के बारे में बताइए कि ये जो इंडिया का फ्लैग लेके हम चल रहे हैं, हम लोग गोरखा का जो इशू है ये नेशनल इशू है, ये लोकल रीजनल पीटी इशू नहीं है, क्योंकि गोरखालैंड के ऊपर आसपास में 3-4 बॉर्डर्स अराउंड है, बर्मा है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, बांग्लादेश है, सबसे बड़ा थ्रेट बांग्लादेश से। हम लोगों का गोरखालैंड जब बनेगा बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन बंद होगा, इन्फिल्ट्रेशन बंद होगा तो गोरखालैंड चलेगी और नेशनल थ्रेट को रुकेगी। ये छोटा नहीं है, अगर छोटा कहते हो तो गोवा बड़ा एरिया है, आप मुझे बताओ ना, सिक्किम बड़ा एरिया है, उन सबको फिर एक टुगेदरली जोड़ दो, ये छोटा एरिया नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ भी कहते, दे आर नॉट प्रॉपरली ब्रश्ड अप, दे आर नॉट डन द होमवर्क, उनको कुछ नहीं पता, गोरखालैंड बनना होगा, बनेगा और बन के रहेगा। बीजेपी किसमें कुछ भी भूमिका नहीं है, वो तो आप अपना, बाकी हमारा एक सीट है दार्जिलिंग में, मेन थिंग इज हमारा एक ही सीट है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इसको एम्फोसाइज नहीं कर रहे हैं, एम्फोसाइज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मतलब कम सीट है, वो लोग 41 एमपी को ले जाने के चक्कर में दार्जिलिंग को अनदेखा कर रहे हैं। हमने कल भी राजनाथ सिंह के घर घेरे थे, आगे वाले आने वाले दिन में भी बहुत कुछ करेंगे, और ये लोग ने दार्जिलिंग में जितने एट्रोसिटीज कर रहे हैं, ममता बनर्जी अभी भी 3 लोग मरे, कल परसों भी 3 लोग मरे, 86 में हमारे 1200 लोग मरे हैं, अभी पिछले 2011 में 3 लोग मरे हैं, कल भी 3 लोग मरे हैं, परसों भी पहले भी 3 लोग मरे थे, कितना मारेंगे? ये दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिमांड 110 इयर्स एंड दिस इज नॉट अ पाइप ड्रीम, दिस इज वेरी फिजिबल। 2009 और 2014 में जो बीजेपी की प्रतिक्रिया तो वो बोल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोल रहे हैं कि अब हमें अभी फिलहाल हम उनको इंटरवेंट नहीं करेंगे, वो कह रहे स्टेट सब्जेक्ट है, दिस इज नॉट स्टेट सब्जेक्ट, क्रिएशन ऑफ गोरखालैंड इज अ सेंट्रल सब्जेक्ट, सो वी वॉन्ट देम टू इंटरवेन, बट ये बीजेपी का जो नेता है, प्रेसिडेंट इज बंगाल में रह के, उसका वो बंगाली सबवर्जन थिंकिंग है, वो बार बार बोल रहे कि गोरखालैंड बन नहीं सकता, हम पूछेंगे क्यों नहीं बन सकता, एवरीथिंग इज देयर, ऑल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लैंग्विस्टिक, कल्चरल डिफरेंस, एवरीथिंग इज देयर टू प्रूव दैट, अगर गोरखालैंड होगा तो ये समस्त भारतवासियों के लोग होगा, गोरखालैंड दार्जिलिंग इटसेल्फ इज नॉट ओनली अ गोरखालैंड, इट्स मीनिंग इंडिया विच इज प्रणब मुखर्जी ऑलरेडी हैज कोटेड, बंगाली, मुस्लिम, हिंदू, लिप्सा, भुटिया, सिक्किम सब लोग वहाँ पे रहते हैं। ममता बनर्जी कुछ नहीं चाहते, और क्यों चाहते, बस हम उनसे इतना चाहते हैं एट्रोसिटीज बंद करें, लेट्स फाइट कॉन्स्टिट्यूशनली, हम कॉन्स्टिट्यूशनली फाइट करना चाहते, हमारे लोगों को मारना बंद करें और तानाशाही बंद करें, हम तानाशाही नहीं चाहते। पॉलिटिकल पार्टीज और गोरखाओं के लिए जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनको एकजुट करने के लिए क्या यही सब कर रहे हैं, जो ये मूवमेंट हो रहा है पीपल्स मूवमेंट, दिस डू नॉट रिप्रेजेंट एनी पॉलिटिकल पार्टी, वहाँ पे 14 पॉलिटिकल पार्टी है, हम सबको यहाँ से, मैं वंदना राय आपकी बहन, मैं निवेदन करती हूँ बिमल दाजू, दावा दाजू, मोहन घिसिंग दाजू, सबको दाजू, आप खाली गोरखालैंड को लगी था आई डी नोस, इसीलिए मतलब उनको यूनाइट करने के लिए हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आप लोग साथ में ज्वाइन करके आप एक लीडर चुन के आगे आ जाओ, हमारा पब्लिक सॉरी वर्ल्ड अक्रॉस से आपको सपोर्ट करेंगे। आपको लग रहा है कि इससे एकदम फायदा हो रहा है, हमारे वहाँ पे लोग सुन रहे हैं, कर रहे हैं, पर यहाँ पे तो बंगाल सरकार का कूटनीति चल रहा है ना, वो पुलिस फोर्स भेज रहे हैं, सीआरपी भी नहीं मार रहे, उनका बंगाल पुलिस लोगों को मार रहे हैं, वो लोग कह रहे किसी भी कंडीशन में गोरखालैंड नहीं देंगे, दैट मीन्स वो सबको मारना चाहती है तो मार रही है, पर आप ऐसा नहीं चलेगा, संसार देख रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन है, अभी तक कुछ नहीं चला, ह्यूमन राइट्स कहाँ गया, फंडामेंटल राइट्स कहाँ गया, सप्रेशन करो, वी डू नॉट वॉन्ट गोरखालैंड बिकॉज वी आर गिवन ब्लड टू द कंट्री, नो, वी वॉन्ट गोरखालैंड टू लीड एज अ ह्यूमन बींग इन आर ओन कंट्री एंड टू हैव अ फंडामेंटल राइट एंड टू हैव अ ह्यूमन राइट देयर। राष्ट्रपति शासन लगाने की बात, एकदम राष्ट्रपति शासन लगा दे तो हम बहुत खुश है, क्योंकि ये शासन में हम रहने वाले नहीं है, ये बहुत जुल्म कर रही है।